इलेक्शन बिगाड़ दिया उसने जी। हम इलेक्शन जीतते पड़े थे हाँ। सारा इलेक्शन खराब कर दिया उस बंदे ने। यानी आपको लगता है कि सोनाली जी के इलेक्शन हारने के पीछे का कारण सुधीर सांगवान? मैडम मैं लाइव था उस टाइम पे। हमारे यहाँ का जो सोनाली जी का पहले ड्राइवर होता था उस ड्राइवर उसने भेज दिया, खुद का ड्राइवर रोहतक से बुला रहा है, खुद का वो पीए बन के एंट्री मारी है उसने। इशारे पुलिस उसको सिक्योरिटी देती है, उसको गाड़ी से उतार देता है, बोले तू हमारी सीक्रेसी आउट करेगा, मतलब हाईजैक कर लिया उनको इलेक्शनों के दौरान। हाईजैक कर लिया इलेक्शनों के दौरान ही उसको हाईजैक कर लिया। इलेक्शनों के बाद में मैं इलेक्शनों में मैं साइलेंट रहा। इलेक्शनों के बाद में मैंने कहा भाई ये बंदा तो इसको गड़बड़ करेगा, इसको मारेगा वहाँ, ये सब बताते इसको मारेगा जी। आपके पास मतलब सोनाली जी का आखिरी बार फोन कब आया था? मेरा मतलब ये घटना वाली रात को 10:15 बजे मेरे पास मेरा फोन पे मेरी उनसे बात हुई थी। दिन में 3-4 बार मतलब हमारी बातचीत चल रही थी मेरी सोनाली जी की, कभी वो कर रहे थे कभी मैं कर रहा था। आखिरी बार जो बात हुई है मेरी उनकी वो 10:15 बजे हुई। क्या बातें हुई थी उनके साथ? उनके साथ में बातें ये हुई थी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रही थी, भावुक हो रही थी, बोली थी मेरे को तो मतलब ये लग रहा है अभी सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है, मेरे को खतरा सा महसूस हो रहा है, मैं डरी हुई अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं कहा इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं, रात निकाल सुबह अपने इशारा दियो, जो भी बात होगी आप उसको क्लियर कर देंगे तेरे साथ में, इसकी FIR कटवा देंगे जो इतने को परेशान कर रहे। क्या किस तरह के रिश्ते थे आपके और सोनाली फोगाट के? मेरे रिश्ते तो मेरी ससुराल से पहले सोनाली जी के साथ थे, मेरी शादी उन्होंने करवाई थी। मैं तो मतलब कि सोनाली जी के परिवार में उनसे सबसे पहले सोनाली जी को ही जानता था। बीच में ऐसा भी हुआ था कि आपकी कुछ मन मुटाव हो गए थे जिस वजह से आपके ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी गई थी? हाँ वो उसने मतलब सुधीर ने आगे वो करवा दिया था। किस वजह से? बस वजह तो मतलब वो सारा उसको कंट्रोल रखने लग गया था और मैंने कहा भाई ये बंदा ठीक नहीं है। सबसे पहले मैंने ही ऑब्जेक्शन उठाई थी इनके परिवार में भाई ये बंदा ठीक नहीं है, तो उसने सोचा भाई सबसे पहले इसको ही दबा लिया जाए ताकि फिर आगे कोई ऐसी नौबत ना आए भाई जो कोई ऑब्जेक्शन उठा सके। आपने उसने सबसे पहले मेरे नाम FIR कटवा दी। आप लोगों ने कभी सुधीर को धमकाया नहीं आप लोगों ने कभी? भाई साहब मैंने तो धमकाया था तभी तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, मैं नहीं धमकाता तो और किसी के खिलाफ को नहीं। क्या तो तुम में हुई थी सुधीर के साथ आपके? यही थी भाई वो सारा काम बिगाड़ने लग रहा था, सारे इलेक्शन बिगाड़ दिया उसने, हम इलेक्शन जीतते पड़े थे हाँ। सारा इलेक्शन खराब कर दिया उस बंदे ने। यानी आपको लगता है कि सोनाली जी के इलेक्शन हारने के पीछे का कारण सुधीर सांगवान? मैडम मैं लाइव था उस टाइम पे। हमारे यहाँ का जो सोनाली जी का पहले ड्राइवर होता था उस ड्राइवर उसने भेज दिया, खुद का ड्राइवर रोहतक से बुला रहा है, खुद का वो पीए बन के एंट्री मारी है उसने। इशारे पुलिस उसको सिक्योरिटी देती है, उसको गाड़ी से उतार देता है, बोले तू हमारी सिक्योरिटी आउट करेगा, मतलब हाईजैक कर लिया उनको इलेक्शनों के दौरान ही हाईजैक कर लिया इलेक्शनों के दौरान ही उसको हाईजैक कर लिया। इलेक्शनों के बाद में मैं इलेक्शनों में मैं साइलेंट रहा। इलेक्शनों के बाद में मैंने कहा भाई ये बंदा तो इसको गड़बड़ करेगा, इसको मारेगा वहाँ, ये सब बताते इसको मारेगा। उसके बाद में उसने सोनाली जी को कॉन्फिडेंस में ले गया, दबाव में ले गया, मेरे को नहीं पता कैसे भी करके वो मेरे खिलाफ ये FIR कटवा दी भाई इसको साइलेंट कर दो, बाकी कोई रिश्तेदार फिर वैसे ही बोलेगा ही नहीं, और वही हुआ। मतलब उसने प्रेशर पूरा, यानी आपकी बातों को पहले गंभीरता से नहीं लिया गया? नहीं मैंने नहीं लिया। अगर आप मेरी सोच सुनते तो वो बच जाते। मेरी सोच में तो नहीं ली गई। यहाँ से जाने के बाद में गुड़गांव जो फ्लैट में गए थे वहाँ से 21 अगस्त को सिक्योरिटी गार्ड को भी उन्होंने वहाँ से वापस भेज दिया, तो उनके मन में क्या था? हाँ ये मतलब लेटेस्ट क्लू आप ही बता रहे हो भाई साहब, भाई जो उनको बॉडी गार्ड यहाँ से मिला हुआ था पुलिस सिक्योरिटी जो मिली हुई थी उसको भी वो मतलब कि वापस भेज देते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसने प्लान बना रखा था। सर गुड़गांव फ्लैट को लेकर भी ये काफी सारी अटकलें जो है निकल कर सामने आ रही है कि अगर वो फ्लैट खुल जाए तो बहुत सारे राज तो अपने आप ही निकल कर सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी चाबी कहाँ है सर? उसकी चाबी ही सुधीर के पास है, और मतलब गोवा पुलिस को मैंने बोला भाई वहाँ पर गाड़ी खड़ी सोनाली जी की और सोनाली जी की फ्लैट की चाबी, इसे पूछो कहाँ और हमें दी जाए। उन्होंने ये कहा भाई मैं मेरी गाड़ी की चाबी के अंदर ही फ्लैट की चाबी है, तो उसके बाद में पुलिस ने हमें वो भी नहीं दिलवाई, सफारी की चाबी, सफारी गाड़ी खड़ी वहाँ पे उसकी चाबी भी पुलिस ने मैंने दिलाई। नहीं आपने सुधीर से चाबी डायरेक्ट नहीं मांगी क्या? मांगी थी भाई साहब, बिल्कुल डायरेक्ट मांगी थी। फोन जाके मैंने मांगा उसका, मैं फोन कहाँ तेरा बोला मेरे पास में मनी कार्ड। सोनाली जी का फोन भी आपने उनसे मांगा? दोनों पॉकेट में उसके दो पॉकेट होती हैं जिसके दोनों पॉकेट के अंदर निकर के अंदर एक में सोनाली जी का एक में खुद का मोबाइल। सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अगर आप लोगों के पहुंचने तक भी सोनाली फोगाट का फोन जो है सुधीर सांगवान के पास था, तो बहुत सारे ऐसे क्लू भी ऐसे होंगे जो फोन के अंदर होंगे और आप लोगों के पहुंचने से पहले ही उनको मिटा भी दिया गया होगा? बिल्कुल मैडम, पूरी रात उसने किया गया, यही किया उसने पूरी रात, भाई मर्डर किया है उसके बाद में क्लू मिटाता चला गया, जितने हम डीले हुए उतने क्लू ही मिटाता चला गया जी, क्योंकि वहाँ की पुलिस
बिल्कुल ही साइलेंट हो रही थी, बिल्कुल ही साइलेंट थी। हमने जाकर उस पुलिस को वहां से जगाया, तब पुलिस साइलेंट थी। अब की अगर बात करें तो गोवा के सीएम का कहना है कि मुझे अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है, सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हर एक चीज को निकाल कर अपने आप सामने ले आएगी। अब पुलिस के अंदर इतनी फुर्ती कहां से आ गई? अब हमने मान लो आप मीडिया के लोगों ने हमारा वहां पर गोवा में बहुत साथ दिया है, अगर शायद मीडिया ने दी तो हम इतनी मतलब की आगे तक नहीं पहुँच पाते आज के दिन। हमने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया ने हमारी पूरी मदद की है, इस वजह से अब उनके बयान चेंज होने लगे हैं। हम गोवा पहुंचने से पहले ही सीएम और डीजीपी के बयान आ रहे थे, बोले हार्ट को डिजीज हो गया, मतलब बगैर मेडिकल हुए, बगैर पोस्टमार्टम हुए, हार्ट फेल सीधा हो गया, वो डॉक्टर से भी मतलब ऊपर होगी। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस समय आप गोवा में पहुंचे, जिस समय आपने सोनाली फोगाट के मृत शरीर को देखा, तो किस कंडीशन में थे? क्या चेहरे के ऊपर निशान थे, जैसा कि बाद में बताया गया था कि चोट के निशान थे चेहरे पे? सोनाली जी के चेहरे के ऊपर मतलब कि यहाँ से उनका पूरा चेहरा नीला हो चुका था, डार्क नीला, कान बिल्कुल नीले थे, और उनके मतलब कि गुम चोट मार रखी थी चेस्ट के ऊपर जी, चोट मार रखी थी, और उसके बावजूद भी वहाँ का प्रशासन कहता है कि हार्ट अटैक था। बिल्कुल, अर्ली द मॉर्निंग हमने रात को बोला वहाँ के एसएचओ को, भाई हमारी तो एफआईआर लॉज कर, उसने साफ मना कर दिया, हमने भी साफ मना कर दिया, भाई एफआईआर नहीं तो हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मॉर्निंग में फिर यही बात हुई, बोले पहले पोस्टमार्टम होगा फिर एफआईआर होगी, हमने फिर मना कर दिया कि ऐसे करके एक दो दिन तक, दो या जितना दो या तीन दिन तक सिलसिला चला, फिर चलता रहा। थैंक यू सो मच। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मतलब किस पर? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया हमें आश्वासन दिया, बहुत बढ़िया आश्वासन दिया उन्होंने। उन्होंने तो कहा है कि आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, जो भी आप चाहते हो सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम तैयार हैं, आप तैयार हो सीबीआई इंक्वायरी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।